I know ये शुभम का आइडिया, लेकिन मुझे सही लगा क्योंकि पीहू के लिए अच्छा है और मैं समझता हूँ आपके और प्रिया के बीच में इश्यूज हैं। हाँ, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने पीहू को हमसे दूर रखा। I know, लेकिन उन बातों को भूल जाते हैं ना, पीहू के लिए। हम पीहू के फ्यूचर के बारे में अगर सोचना है तो हमें पास्ट को भुलाना पड़ेगा, नहीं तो पीहू सफर करेगी और वो मैं नहीं चाहता। नहीं, वो मैं भी नहीं चाहती राम, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं प्रिया को देखती हूँ तो वो सारी बुरी यादें आ जाती हैं। I know, और उन्हीं से हमें लड़ना है। मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि पीहू इन बातों को समझेगी, बच्ची है वो, लेकिन हम तो उतने समझदार हैं ना कि एक माँ को उसकी बच्ची से अलग ना करें। आप सोचिए पीहू पे क्या असर होगा, उसका फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है राम, जैसा तुम चाहते हो हम वैसा ही करेंगे। ओके, विसर्जन के बाद शुभ और मैं वहीं रहेंगे जब तुम बात कर रहे हो। थैंक यू। पीहू, मैं ना मिस्टर कपूर को बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि आपने मुझे ये बताया है, पर एक बात बताओ, उन्होंने आपको ये छिपाने के लिए क्यों कहा? नहीं, वो तो सीक्रेट है मिस्टर कपूर, उसने मना किया आपको बताने को। उन्हें लगता है मैं उन्हें ज्यादा लाइक नहीं करती। अच्छा, पर मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, पक्का। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस? उन्होंने कहा था वो आपको विसर्जन के बाद सरप्राइज देंगे। प्लीज मिस, वो सरप्राइज होने की एक्टिंग करना। ओके, कैसे करोगे मुझे दिखाओ। मिस्टर कपूर लॉयर से क्यों मिले, मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? मुझे करके दिखाओ। हाँ, अब जाओ अपने हैंड्स वॉश करके आओ, मैं तब तक प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है? जाओ। ओके। मिस्टर कपूर ने पासपोर्ट बनवाया, इसी का इंतजार कर रहे थे। लॉयर से भी मिले, लेकिन मुझे कुछ क्यों नहीं बताया है? पीहू को भी मना कर दिया मुझे बताने के लिए, पर क्यों? मिस्टर, हाँ हाँ, यही एक्टिंग चाहिए मुझे। मिस्टर खड़ो, जब आपको सरप्राइज देता हूँ, अब यही करना। ओके, हाँ, मैं ऐसे ही करूंगी। ओके, मैं मिस्टर खड़ो से एक बार मिलके आती हूँ। माँ के नाम की जगह खाली है, क्यों क्यों किया होगा मिस्टर कपूर ने ऐसा? मुझे कृष से बात करनी होगी। पासपोर्ट? लेकिन राम ने तुम्हें क्यों नहीं बताया प्रिया? नहीं, स्विट्जरलैंड। क्या? स्विट्जरलैंड? हाँ, वही, वहाँ तो बहुत ठंडी होती है ना। अरे ठंडी नहीं, स्नो होता है वहाँ, स्नोमैन बनाएंगे, बड़ा मजा आएगा वहाँ। मुझे तो प्लेन में बैठने का मजा आता है। असली मजा तो तब आएगा जब हम पानी ना हो बताएं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्रिश, पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं पीहू को लेकर, पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पहले लगा था कि ये सब कुछ मिसेस कपूर कर रही हैं। ये शायद हो सकता है कि राम कर रहा हो। पता नहीं, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर वो मेरी पीहू को मुझसे दूर ले जाएंगे, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। वो मुझे रिलैक्स, काम लग, देखो कुछ भी नहीं होगा। देखो प्रिया, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। ओके? पछतावा तो मुझे अब हो रहा है यहाँ पर वापस आकर क्रिश। प्रिया, राम और पीहू को तुम ही मिलवाना चाहती थी ना? नहीं? हाँ, पर अब वो उसे मुझसे दूर ले जाना चाहते हैं। मैं क्या करूँ, वो मेरी पीहू को मुझसे दूर ले जाना चाहते हैं क्रिश। प्रिया रिलैक्स, काम डाउन, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, एक काम करते हैं, बैठ के बात करते हैं, कम प्लीज बैठ। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने मुझे कहा था ना कि तुम राम को अच्छे से जानती हो और तुम्हें यकीन था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ, पर अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्रिश, उन्होंने पासपोर्ट बनवाया। ऑफ कोर्स प्रिया, मैं हमेशा तुम्हारे पीहू के साथ हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि पीहू को तुमसे अलग नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस। कोई ऐसा करने का सोचे उससे पहले ही मैं। उससे पहले क्या? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ प्रिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अब तुम घर जाकर विसर्जन की तैयारी करो और कोई भी ऐसा रिएक्शन मत देना जिससे तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। ओके, मैं तुम्हें रात को आकर मिलता हूँ, जाकर चेक करता हूँ कि ये सब चल क्या रहा है। ओके, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।